सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज व खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बस अब कुछ ही दिनों के बाद भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के लिए रवाना होने वाली है। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज का दौरा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम वहां जाकर वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ पहले तो 3 मैचों की T20 सीरीज का हिस्सा बनेगी, इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज दोनों ही टीम के बीच में खेली जाएगी। इन सीरीज में सबसे पहले 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है, जिसकी शुरुआत 3 अगस्त से होने वाली है। साथ ही पूरा का पूरा दौरा दोनों ही टीमों के बीच में 1 महीने तक चलेगा, यानी कि इसका मतलब 3 सितंबर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा और भारतीय क्रिकेट टीम तीनों ही फॉर्मेट्स में एक बार फिर से झंडे गाड़कर अपने देश में वापस से लौट जाएगी। दोस्तों, आपको यह बता दें कि वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम में कई मुख्य बड़े बदलाव किए गए। टीम के अनुभवी खिलाड़ी जैसे कि जसप्रीत बुमराह व हार्दिक पांड्या तक को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया और उन्हें आराम दिया गया, तो वह युवा खिलाड़ियों की टीम में वापसी करवाई गई है। साथ ही नवदीप सैनी जैसे तेज तर्रार गेंदबाजों को भी टीम में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है इस दौरे पर। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों से मीडिया में काफी ज्यादा खबरें उठ रही हैं कि कप्तान विराट कोहली व रोहित शर्मा के बीच में भारतीय टीम की हार के बाद तनातनी और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में फासले बढ़ने की भी खबरें सामने आई थी, लेकिन आज तक पूछे जाने पर दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के बीच में सामान्य रिश्ता होने का दावा करते हैं। परंतु दोस्तों, जो कुछ टीवी पर दिखता है साथ ही जो कुछ आजकल सोशल मीडिया पर हो रहा है उससे तो यही पता चलता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। आपको बता दें कि बीते दिन कुछ टाइम पहले भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तान विराट कोहली को सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर दिया था। साथ ही अब एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि सब को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली की बीवी यानी कि अनुष्का शर्मा को भी अनफॉलो कर दिया। इस बात का करारा जवाब देते हुए अनुष्का शर्मा ने अपना स्टेटस भी अपलोड किया, जहां पर उन्होंने रोहित शर्मा पर सीधा निशाना साधा था। हालांकि इस खबर पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ, लेकिन रोहित शर्मा चुप रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सबको इस बात का इंडिकेशन जरूर मिल गया था कि शायद दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में या फिर यूं कह लीजिए कि दोनों ही खिलाड़ियों के बीच के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन अब रोहित शर्मा ने आखिरकार इस बात पर खुद बड़ा बयान दे दिया कि उन्होंने अनुष्का शर्मा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो क्यों किया और इस पर अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक इवेंट के दौरान रोहित शर्मा मौजूद थे, जहां पर यही सवाल पूछे जाने पर उनका जवाब सुनने वाला था। रिपोर्टर ने रोहित शर्मा से यह पूछना चाहा कि आखिरकार आपने अनुष्का शर्मा को अनफॉलो क्यों किया, तो इस बात का हंसकर जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि मेरे नजरिए में तो शायद प्रत्येक व्यक्ति की अपनी ही सोशल लाइफ होती है। सोशल मीडिया पर उस समय मैं कुछ लोगों को अनफॉलो कर रहा था और उनमें से एक नाम अनुष्का शर्मा का भी मेरे सामने आ गया, जिन्हें मैंने फिर अनफॉलो कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पर बवाल मचाने जैसा तो कुछ नहीं, और यह मीडिया की ही कमी है कि इस बात ने तूल पकड़ लिया और सभी इस बात पर काफी ज्यादा चर्चा भी कर रहे हैं। मेरे नजरिए में इस बात को तो यहीं रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों, रोहित शर्मा ने तो बड़ी आसानी से कहकर इस बात को यहीं टाल दिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली व रोहित शर्मा से कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।